मॉर्निंग क्लास सेवंथ स्टूडेंट्स, सो इट्स आर थर्ड वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 5, दैट इज वाटर फ्रॉम ज्योग्राफी. ओके स्टूडेंट, सो हियर वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग टू द मोशंस और द स्पीड और द पेस ऑफ द वाटर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द वाटर. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. हियर इज रिटन इन द फर्स्ट सेंटेंस, ड्यूरिंग स्टॉर्मी वेदर, जब मौसम तूफानी होता है, ह्यूज वेव्स यानी विशाल लहरें आर फॉर्म्ड यानी बनती है, उनका निर्माण होता है. दीज वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉज हैवी डिस्ट्रक्शन, ये जो लहरें होती हैं ये बहुत मजबूत होती है एंड कॉज हैवी डिस्ट्रक्शन यानी और बड़े विनाश या बर्बादी का कारण बनती है इन कोस्टल एरियाज यानी समुद्र तटीय इलाकों में या क्षेत्रों में या भागों में. सो स्टूडेंट, सुनामी विच इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूज टाइडल वेव, सुनामी जो कि एक विशाल या बड़ी बड़ी टाइडल लहरों यानी ज्वारीय लहरों का एक रूप होता है. ओके, समुद्री लहरों का एक रूप होता है, टाइप होता है, प्रकार होता है, फॉर्म होता है, काइंड होता है. ओके, कौन? सुनामी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होती है. मजबूत से मीनिंग हो गया यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं और प्रेशर वाली होती है, यानी कहने का मतलब ये जो है फोर्स इनका जो है बहुत ज़्यादा होता है. द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, भारत में 2004 में सुनामी ने जो है कोस्टल एरियाज यानी समुद्र तटीय भागों में जो है बड़े वाइड स्प्रेड यानी बहुत बड़े स्तर पर जो है नुकसान पहुंचाया या बर्बादी की. हैवॉक डिस्ट्रक्शन वॉज देयर. ओके, सो नाउ हियर टाइड्स, वाटर टाइड्स, एज इन आवर फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस दैट टाइड्स is a motion or the movement of the water. Okay, so here we are going to read in detail about that. So let's read. Tides are the rhythmic rise and fall of ocean water which occur twice in a day. एक दिन में दो बार महासागरों का या महासमुद्रों का पानी या जल जो है वो जो है rhythmic rise और fall यानी उसमें एक निरंतर समयावधि के अंतराल में जो है rise यानी वो बढ़ता है और फॉल यानी उसका लेवल गिरता है. तो राइस मतलब बढ़ता है, कहाँ पर उसका एलिवेशन होता है, यस वो कोस्टल एरिया यानी किनारों की तरफ जो है बढ़ता है और फॉल यानी वापस चला जाता है जहाँ से वो बढ़ते हुए आया था. सो दिस रिदमिक एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज विद इन अ डे टू टाइम्स विद इन अ डे. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज नोन एज टाइड. ओके, इन हिंदी इट इज़ नोन एज ज्वार. ओके, सो राइज ऑफ टाइड इज नोन एज ज्वार एंड फॉल ऑफ टाइड इज नोन एज भाटा इन हिंदी. ओके, टुगेदरली इट इज नोन एज ज्वार भाटा. क्लियर? सो टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर विच ऑकर्स ट्वाइस इन अ डे. इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. सो जब क्या मैंने आप बोल दीजिए कि जब वाटर कवर्स जो होता है मच ऑफ द शोर यानी किनारे पर बहुत आगे आ जाता है बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल यानी इसके अंतिम स्तर तक पहुंच जाता है यानी जितनी हाइट या एलिवेशन ये कवर कर सकता है जितना कोस्टल एरियाज को ये क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ सकता है टाउन एरिया की तरफ हम बोल सकते हैं. तो इस तरह के जो मूवमेंट होता है ना इसको हाई टाइड बोलते हैं. इट इज़ नोन एज हाई टाइड. इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल. और तट से, कोस्ट से, किनारे से, शोर से, ठीक है, या समुद्र के छोर से, समुद्र का पानी जितनी दूर चला जाता है वापस समुद्र की तरफ इसको हम बोलते हैं या लो टाइड. ओके स्टूडेंट, सो इट इज़ नोन एज लो टाइड. अगेन आई एम गोइंग टू रीड, लेट्स ट्राई टू ग्रैब इट. ओके, टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर विच ऑकर्स ट्वाइस इन अ डे. इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. Okay, recedes यानी होता है पीछे हटना from the shore यानी किनारे से. Okay, now during the full moon and new moon यानी जब पूर्णिमा होती है या आप बोल सकते हैं जब पहला दिन होता है मून का फुल मून यानी पूर्णिमा एंड न्यू मून यानी आप बोल दीजिए जब फर्स्ट डे होता है आफ्टर नेक्स्ट डे ऑफ
आफ्टर फुल मून, पूर्णिमा के बाद वाला अगला जो दिन है उसको न्यू मून बोलते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। तो सूरज मून यानी चंद्रमा एंड अर्थ यानी पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में होती है, एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं। बीच में मून, सबसे आगे सूरज, बीच में चंद्रमा और उसके आगे पृथ्वी, ऐसी स्ट्रेट लाइन में ये अरेंज हो जाते हैं। एंड द टाइड्स आर हाइएस्ट, और उस समय टाइड्स जो आते हैं वो बहुत हाइएस्ट आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा किनारे तक जो है, दूर दूर तक किनारे तक जो है समुद्र का पानी आ जाता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। तो इस तरह के टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। उसके बाद आप अगला देखिए, ड्यूरिंग द फुल मून, ये हो गया, वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून इसके फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर, अब यहाँ पर क्वार्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा, इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में समुद्र का, महासमुद्र का पानी या महासागर का पानी जो है चंद्रमा के पहले क्वार्टर में और अंतिम क्वार्टर में जो है वो क्या करता है, ड्रोन गेट ड्रोन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में वो खींचाता है, बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द अर्थ, सूरज और पृथ्वी का, सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक तरफ से सूरज खींचता है एक तरफ से अर्थ खींचती है, और बीच में है ना इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसकी वजह से महासागरों का पानी जो होता है, ओशियन का पानी जो होता है वो ड्रोन यानी डायगोनल डायरेक्शन में वो जो है ड्रोन यानी खींचाता है, ठीक है, उसमें खींचा होता है, और इसका रिजल्ट परिणाम क्या होता है, लो टाइड्स होते हैं, यानी समुद्र का पानी सबसे बहुत दूर चला जाता है किनारे से, इसको हम बोलते हैं लो टाइड। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, और इन लो टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स, और हाई टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, जो पिछला पढ़ के आए स्प्रिंग टाइड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, हाई टाइड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, ओके। और यहाँ हम जो पढ़ रहे थे अभी, ये था कौन सा टाइड था, ये नीप टाइड था जो कि लो टाइड होता है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, अब देखिए हाई टाइड जब होता है ना, जब यानी किनारे की तरफ बहुत समुद्र का पानी आ जाता है, तो इससे नेविगेशन में हेल्प मिलती है, क्या कि जहाज वगैरह सब किनारे पे खड़े थे, इनको आसानी से जो है उस टाइम पीरियड में, 12 घंटे का टाइम पीरियड, उसमें जो है समुद्र में ले जाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। अब ओशियन करेंट्स क्या होते हैं, ये तो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये एक तरीके से रिवर्स होती है, रिवर्स ऑफ वाटर होती है जो समुद्र में थी, या समुद्र का पानी कॉन्स्टेंटली यानी लगातार निरंतर जो है समुद्र की सतह पर एक डेफिनेट यानी एक निश्चित दिशा में बहता रहता है। तो इस मूवमेंट को, देन द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज ओशियन करंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन ओशियन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड। अब ओशियन करंट्स वार्म यानी गर्म भी हो सकते हैं और कोल्ड यानी ठंडे भी हो सकते हैं। द लेबरेडोर ओशियन करंट इज कोल्ड, लेबरेडोर जो है वो कोल्ड यानी ठंडी जलधारा है समुद्र की, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट यानी वो गर्म जलधारा है। स्टूडेंट, द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड फॉर द वर्ल्ड। जहाँ पर दुनिया में जहाँ पर भी गर्म और ठंडी यानी वार्म और कोल्ड ओशियन करंट यानी समुद्र की जलधारा आपस में मिलती, वहाँ पर जो है मछली पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशंस या सिचुएशंस अवेलेबल होती उस एरिया या रीजन में वर्ल्ड के। एवोपरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वाटर टर्न्स इनटू वेपर। ये वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी जो है वेपर में बदल जाता है, ठीक है, बाय हीटिंग यानी गर्म होने से। कंडेंसेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वो प्रक्रिया जिसमें वाटर वेपर यानी जल वाष्प जो है जल की बूंदों में बदल जाती है। वाटर साइकिल, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन एटमोस्फियर एंड लेड। वाटर साइकिल वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया है जिसमें पानी जो है अपने रूपों को बदलता हुआ, फॉर्म को चेंजेस करता हुआ सर्क्यूलेट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, यानी लिथोस्फीयर से एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से लिथोस्फीयर, ओके, बिटवीन ओशियन एटमोस्फियर एंड लैंड, ये तीनों प्लेसेस। अब देखिए ओशियन हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, फिर एटमोस्फियर एंड लैंड यानी लिथोस्फीयर, यहाँ पर ये सर्कुलेट करता है, यहाँ पर आता जाता है एक साइक्लिक मैनर में यानी चक्रीय रूप में, ओके। नाउ टेरेरियम, व्हाट इज दिस, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, यानी छोटे छोटे पौधों को एक एरिया में रखा जाता है एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं टेरेरियम, ओके। प्रेसिपिटेशन, फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, यानी नमी का जमीन पर आना है ना रेनफॉल के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में या स्लीट के फॉर्म में या हेलस्टॉर्म के, या सीधी से बोल दीजिए कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं
जो कंडेंसेशन के थ्रू वाटर वेपर जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गई, ये वाटर ड्रॉपलेट जब अर्थ पर रेनफॉल के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में या स्लीट एंड हेल स्टोन यानी ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन इन हिंदी वर्षण। ओके नाउ स्टूडेंट्स, वेव्स व्हाट आर दीज, वी हैवन रीड इन एट इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर चैप्टर, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली, जब समुद्र की सतह पर है ना पानी जो होता है, समुद्र का पानी जो अल्टरनेटली यानी वो राइज भी होता है और फॉल्स यानी गिरता है, उसी समय बढ़ता है और गिर भी जाता है, जो जनरली हम देखते हैं, एक जनरल व्यू होता है, एक जनरल अपीयरेंस होता है ओशन वाटर का, इट इज़ नोन एज वेव्स, इसको हम बोलते हैं तरंग लहरें। ओके सुनामी, ये ह्यूज टाइडल वेव्स होती हैं, हम पढ़ के आए हैं। इसके बाद आता है टाइड, टाइड इज द रिज्मिक राइड एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर दैट अकर्स ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में दो बार होता है। ओके स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड अभी हमने पढ़ा, अगेन पढ़ लीजिए आप, ड्यूरिंग द फुल मून, स्प्रिंग टाइड कब होगा, जब पूर्णिमा होती है एंड न्यू मून डे होता है, उसके नेक्स्ट डे होता है। द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, ये रीड करके आए आप, नीप टाइड भी आप रीड करके आए। ओशियन करेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के, इन दिस मैनर दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड बाय अस। ओके सो आई होप यू विल बी अवेयर रिगार्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, थैंक यू।